सस्ते वाले से बोल रहे हैं 1,200 से, ठीक है। हमारे फ्लैट में लाइट नहीं आ रही, कुछ तो होगा, किसी को चेक करने के लिए भेजिए। हाँ जेनी के आगे आने से, आपके बाहर आने से। मैं जेनी जी पे हूँ। अरे किचन में कौन है? कोई है प्रशांत? अच्छा। अभी पी लेना पड़ेगा, बोल रहे ऐसे रोलिंग रोल रोलिंग एक्शन। हाँ दसवें माले से बोल रहे हैं 1,003 से बी विंग। हमारे हमारे फ्लैट में लाइट नहीं है जी। अरे किसी को भेजिए ना। अरे मुझे कैसे पता होगा, शायद फ्यूज उड़ा हो। अरे भाई साहब पूरी रात को कैसे रहेंगे? देखो आप पूरी रात कैसे रहेंगे? रोली नहीं, नहीं, थोड़ा सा लेफ्ट, हल्का सा लेफ्ट। अरे भाई बात हो गया, इतनी गर्मी है और बाहर बहुत बारिश हो रही है, आप कैरी सो सकते हैं? आप एक काम कीजिए ना, मेरे साथ मेरे घर पे से भी सो ले जाता। नहीं 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 मैम, सीरियसली मैम, आप इतने परेशानी में सोएंगे और मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बंद हो और लाइट चली जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं, प्रशांत आ जाएगा। लाइट चली जाती है और हम लोग कैंडल वैंडल ढूंढ रहे बट नहीं मिलता हमको कुछ, क्योंकि नया घर है, पता नहीं सब कुछ कहाँ रखा है, पता नहीं क्यों, मुझे पता नहीं है। तो जब फिर उतने में प्रशांत आ जाता है और फिर आगे भी हमने शूट नहीं किया। अच्छा कहते हैं जब भी सरस और कुमुद का आपस में कुछ मिलने जुलने वाला, मतलब मिलने जुलने वाला सीन होने नहीं, ऐसे कुछ झगड़ा नहीं हुआ या ऐसे कुछ मिलना जुलना नहीं हो रहा है, हम घर पे ही है बस। हम बड़ी माँ को वो फोन ही करने जा रहा है, उतने में लाइट चली जाती है। नहीं लेकिन आजकल कुमुद बहुत ज्यादा नाराज होने लगी है ना सरस से, मतलब ना टाइम देना ना। हाँ तो उस चीज में मतलब जब भी वो दोनों का वक्त, मतलब ऊपर वाला वक्त देता है कि चलो लाइट गुल कर दी, अब आपस से मिलो बात करो प्यार वाली बात, तो कोई टपक पड़ता है जी। क्या कहेंगे इस बारे में? जो आपने कहा वही कहूंगी मैं, और क्या कहूंगी इसमें। अच्छा कुछ ट्विस्ट हमने सुना, मतलब बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला, कुछ हॉरर? हाँ ये मैंने भी सुना है कि थोड़ा सा कुछ थ्रिलर सस्पेंस टाइप होने वाला है, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा वो ट्विस्ट। दैट्स ऑल आई कैन से रियली, बिकॉज आई डोंट रियली नो फॉर श्योर इफ वी गोइंग दैट वे और नॉट। थैंक यू। क्या कहेंगे जब ऊपर वाला
सा मौका देता है कि सरस को थोड़ा सा वक्त एक साथ गुजार लें, तब कोई ना कोई टपक पड़ता है। ये तो नया ट्रैक है, अभी तो भाई साहब आए हैं जो मेरा ख्याल जितना मैंने हल्का सा देखा है वो कुमुद को किसी तरीके से पसंद करते हैं। वो क्यों करते हैं अभी तक रीज़न खुला नहीं है, वो राज खुला नहीं है। वो चार डॉट्स का कुछ राज है जो कुमुद के यहाँ पे है, तो उससे कोई रिलेशन है तो कुछ भी होता है तो ये हमारे घर में झांकते रहते हैं। घर इन्हीं का है, किराए पे दिया है हमें, मगर इनको सब पता है घर की खिड़कियाँ कहाँ हैं, घर की बालकनी कहाँ है, घर का टेरेस कहाँ है, किचन कहाँ है, सब पता है, वहाँ से देखते रहते हैं। तो अब देखते हैं अब अगला मोड़ क्या आता है। क्या कहेंगे, मतलब हम तो एक कमरे में बंद हो और बिजली चली जाए और फिर कोई पड़ोसी आ जाए, तो वही हो गया कि हम तुम कमरे में बंद थे, बिजली चली गई, मौका अच्छा था मगर बीच में पड़ोसी आ गया और पड़ोसी अपने घर ले गया उठा के, और हम चले भी जाते हैं। कमाल है ना, हम लोग भी कहीं भी चले जाते हैं हम लोग। मतलब क्या कहेंगे, मुंबई आते ही कहते हैं सरस को मुझका प्यार बढ़ना चाहिए, यहाँ तो तकरार ही तकरार होती चली जा रही है। ये अलग ही ट्रैक चला गया। तो अभी तो बेसिकली प्यार मोहब्बत में झगड़े, अब झगड़े के साथ दिखाएं जो बेसिकली हस्बैंड वाइफ में होते हैं शादी के बाद, तो वो इन्होंने दिखाया है और अब आगे क्या होता है वो तो एक्चुअली मुझे भी नहीं पता। सस्पेंस कुछ आ रहा है आप? मतलब हाँ, हमने सुना है कि कोई भूतियाई भूतिया, एवरीथिंग इज पॉसिबल मान, सरस्वती चंद्र, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अब मुझे पता नहीं क्या कुछ क्रैक का कुछ है, मैंने देखा था क्रैक को लेके कुछ ड्रामा खेलने वाले हैं या कुछ होने वाला है। अब दीवार के पीछे क्या या दीवार के अंदर कौन है ये पता नहीं, अब कोई है या नहीं है, अब वो तो आने वाले एपिसोड में पता चल जाएगा।